देखिए, मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर को वोटों की गिनती के पश्चात शिवराज जी का ही राज होगा, किसी महाराज का राज नहीं होगा। सर, आपने विकास की बात करी, कांग्रेस से कंपेयर किया, लेकिन 15 साल से बीजेपी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में, लेकिन क्राइम हो रहे ग्वालियर चंबल अंचल में नहीं, ऐसा इस रूप में इसको मत लीजिए। कोई नाराज नहीं है, यह नाराजगी केवल कांग्रेस के कल्पना के आधार पर है, उनके स्वप्न आते हैं। सर्व समाज के लिए जो पार्टी काम करती है, सर्व समाज उस पार्टी के साथ होता है। हमारी पार्टी का नारा ही है सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस का नारा रहता है कुछ का साथ कुछ का विकास, इसलिए कांग्रेस इस देश से समाप्त प्राया है। और मध्य प्रदेश में मुझे पूरा विश्वास है 2013 से बड़ी विजय शिवराज जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। इस चुनाव के माहौल देखिए, कोई ऐसी भाषा का प्रयोग, अब आप इस बात को जानते हैं ना कि भारत माता की जय के पहले सोनिया माता की जय बुलवाने का प्रयास किया गया। अगर ये जनता को हम ना बताएं तो कांग्रेस का असली चरित्र कैसे जनता के सामने आएगा? तो कांग्रेस का असली चरित्र जनता के सामने आना ही चाहिए। और कांग्रेस, मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं, जब चुनाव का समय होगा तब वह मक्खन लगाने का काम करती है, और चुनाव बीत जाने के बाद जहां भी चुनाव हुए, यहां किसानों के कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, कर्नाटक और पंजाब का किसान रो रहा है, वहां उनकी सरकार बन गई, वहां नहीं किए। तो यह धोखेबाजी करना, झूठ बोलना, झूठ बोलने की मशीन के रूप में कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का, कांग्रेस के नेताओं का लगातार काम करना, यह उनका एक लक्ष्य है। धन्यवाद।